बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर राजद ने अपने दरभंगा जिला अध्यक्ष को किया निष्कासित। राजद नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने ही जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। शनिवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के 2 माह बाद यह कार्रवाई की। श्री सिंह ने राम नरेश यादव के पार्टी से निष्कासन के लिए जिला उपाध्यक्ष फुजैल अहमद अंसारी के पत्र को आधार बनाया है, लेकिन राम नरेश यादव का ऑडियो चुनाव के दौरान ही वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की बात कही थी। चुनाव के बीच में ही उनका ऑडियो वायरल होने के कारण राजद के आधार वोट बैंक यादव मतदाताओं पर असर पड़ा। इसी कारण सिद्दीकी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही निष्कासित कर दिया गया होता, तब सिद्दीकी के जीत की राह प्रशस्त हो गई होती। लेकिन पार्टी आला कमान ने 2 माह बाद यह निर्णय लिया। राम नरेश यादव के निष्कासन में 2 माह का समय कैसे लगा और क्यों लगा? कहीं किसी विधायक के दबाव में तेजस्वी यादव अपने यादव जिला अध्यक्ष को निष्कासित करने से हिचकिचा तो नहीं रहे थे? इसका कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव में भी आज के विधायक ने सिद्दीकी को हराने का काम किया था, लेकिन पार्टी ने उस विधायक के खिलाफ तब भी कोई कदम नहीं उठाए थे। उससे पूर्व 2014 के लोकसभा चुनाव में उक्त विधायक की गतिविधियों को लेकर हंगामा मचा था, लेकिन राजद नेतृत्व सोया रहा। अगर 2014 में ही लोकसभा चुनाव के समय फातमी के खिलाफ अभियान चलाने वाले राजद विधायक के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की होती, तो आज राम नरेश यादव के निष्कासन की नौबत ही नहीं आती।